इस्लाम ज़िंदा रहता है करबला के बाद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैदान करबला में यजीदियों का मुकाबला करके जहाद के ज़रिए फसाद का खात्मा किया। वाक़िया करबला हादसे का नाम नहीं बल्कि हक व बातिल के दरमियान अजल से जारी उसूली इख्तलाफात पर डट जाने का तसलसल है, क्योंकि कानून कुदरत के मुताबिक हक और बातिल की जंग हमेशा जारी रही और रहती दुनिया तक जारी रहेगी। इस्लाम सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ने का नाम नहीं बल्कि हक की खातिर जहाद में गाजी या शहीद होने का नाम है, और इसी अजीम मकसद के लिए सैयदना इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला की जंग में जाम शहादत नोश करके इस्लाम का अलम बुलंद कर दिया। वाक़िया करबला हक और बातिल के दरमियान कायनात का सबसे अजीम मार्का है, जिसमें नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके ख़ानदान ने हक की सरबुलंदी की खातिर जो लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की, जो रहती दुनिया के इंसानों के लिए मशले राह है। वाक़े करबला ईमान, बहादुरी, इस्तकामत, जुर्रत और सब्र की लाजवाल दास्तान है। देखते रहें हमारा चैनल महाज मीडिया, जिस पे हर अपडेट आपको बआसानी मिल सकती है अगर आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तो तमाम नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे जारी कर दी जाएगी। शुक्रिया। आपको पता ही नहीं था कि शबी कैसी है।
जो आप देख रहे हैं पूरा चेंज होता है, लाइटिंग पूरी इस पर होती है, जो पूरा ये गोल्ड मिल है डिफरेंट पीसेज में खुल जाता है, उसको असेंबल करना पड़ता है। और ये हम 8 तारीख को मतलब मुहर्रम के 8 को ये असेंबल करते हैं। 9 से लेकर 10 तक ये गश्त होता है। दरगाह हज़रत हाजी शाह बुखारी के नाम से ये ताजिया जो है निकाला जा रहा है। लास्ट जहाँ तक मेरी नॉलेज है 200 ईयर्स हो गए। अच्छा, 200 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पर कितना खर्चा लाग आता है? ये तो डिपेंड करता है, लेकिन इसको कभी हमने आइडिया नहीं लगाया है, लेकिन ये कि मैक्सिमम ये है कि 50,000 से ऊपर का ही खर्चा आ जाता है, 50,000 से 1,00,000 का। अच्छा, इंतहाई मुख्तसर, इंतहाई मुख्तसर, ये जो अंदर रोज़ा बनाया गया है, झूले रखे गए हैं और एक छवि है, मुश्किल का काम है, ये किस तरह किया जाता है? ये पूरा एक मैंने आपको बताया प्रोसेस है, पूरा पूरा इसको डिसेंबल करते हैं, फिर ये असेंबल्ड होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके अंदर, फिर जो है इसको असेंबलिंग में बहुत मेहनत लगती है इसमें, और ये इसके पूरे फोल्डिंग होता है, इसको फोल्ड करके फिर इसको हम लोग फिट करते हैं खुद। ये हमारी फैमिली में हम लोग ये आपस में सब कजन्स करते हैं, फैमिली मेंबर्स जी जी कजन्स करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो रोज़ा आपने बनाया है, इसमें झूला है और फिर दूसरा एक झूला और है, फिर रोज़ा है, ये किस तरह बनाते हैं और कटिंग का मरहला क्या होता है? ये मतलब पहले स्केच बनाया जाता है इसका, कि हमारी मेजरमेंट पहले स्केल बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, इसकी मेजरमेंट होती है, फिर जो है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो हम हमारी थीम होती है, जो हम बनाना चाहते हैं, वो हम उसको स्केच करके उसके बाद फिर हम उसको कटिंग करते हैं। कितना वक्त लगता है? ये कितना वक्त लग जाता है इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में? वैसे अगर नॉर्मली करें तो 1 महीना लगता है स्केच वगैरह बनाने में, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास सब जब वाले होते हैं टाइम थोड़ा कम होता है, तो ट्रेन में जो है वो हमें जल्दी करते हैं। अच्छा, क्या क्या लगाया जाता है? इसमें पेपर होता है अच्छा, जो मार्केट में जो सबसे अवेलेबल होता है, यूनिक किस्म का वो है, ग्लू है, समर बोर्ड है। अच्छा, ये इसमें लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की जाती है? कुछ लकड़ी का भी कमाल है ना? लकड़ी का तो फ्रेम हमारा बना होता है, ये आप होल्डिंग बना हुआ है।